धामनगर पाई उपनिर्वाचन पाई खूब कम समय जदि कहा जाय परबो कम समय भितरे ये समय बहुत कम जो रहिले पूर्वतन जे रहिथिले विधायक स्वर्गत विष्णु सेठिंग परलोक परे किए प्रार्थी हेबे पुणी थरे तले उपनिर्वाचन पाखकु आसुची तीन दलरु किए प्रार्थी करिबे एकु नै कि गोटे प्रकार सस्पेंस जदियो उपनिर्वाचन किए बे प्रार्थी एकु नै कि वर्तमान भी सस्पेंस जारी रहिछि विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि एवं आज ठारु 14 तारिख पर्यंत नामांकन पत्र दाखल करिपारिबे विभिन्न दलर जो प्रार्थी रहिबे किंतु एजाए प्रार्थी चूड़ांत करिनाहंती तीन प्रमुख दल केवल बीजेपी पक्षर जहाँ सुना जाउची एवं जो सूत्र अनुसार जदि कहा जाय परिबो विष्णु सेठिंग पुओ हेई पारंती सुर सूर्यवंशी प्रार्थी हेई पारंती बीजेपी पक्षर किंतु बीजेडी कहा को प्रार्थी करब किए टक्कर दब एवं किए कांग्रेस जेकि सम्मान बंचे पार ये सब कुछ नहीं कि वर्तमान गोटे प्रकार आलोचना जारी रही कारण आसंता 14 तारीख पर्यंत जमी निर्वाचन अधिकारी भद्रक उपजिला निकट में प्रार्थी माने नामांकन पत्र दाखल करें अक्टोबर 14 रे नामांकन दाखल शेष दिन रही 15 रे जांच कर प्रार्थीपत्र गुड़िक 17 रे नामांकन प्रत्याहार शेष दिन रही नवेम्बर 3 रे धामनगर उपनिर्वाचन आम समस्ते जानते धामनगर निर्वाचन मंडली 252 बूथ भितर मतदान करा नवेम्बर 6 रे भोट गणति हे से दिन ही फलाफल घोषणा होदिन स्पष्ट हो किए रही उपनिर्वाचन में कौन सी दल एजाए मध्य निज निजर प्रार्थी घोषणा करना अपेक्षा करेतु आज प्रथम दिन आज विज्ञप्ति प्रकाश पाई विधिवत भाव में आज प्रेस विज्ञप्ति द्वारा 46 धामनगर असेंबली कन्स्टिट्युएंसी बाय इलेक्शन विषय अवगत कराई बाय इलेक्शन शेड्यूल है डेट ऑफ इश्यू ऑफ गजट नोटिफिकेशन 7th October 2022 आज फॉर्मली इलेक्शन नोटिफिकेशन बाहरी लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 14 October 2022 नॉमिनेशन प्रक्रिया आज आरंभ हो 14 October 2022 को सर स्क्रूटनी हम 15 October लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 17 October 2022 पोल अच्छी 3rd November 2022 काउंटिंग हम 6th November 2022 और 8 नवंबर सुधा पोलिंग प्रक्रिया सब सर जो दिन प्रेस विज्ञप्ति बाहर से दिन ठू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भद्रक जिला रे एंटायर भद्रक डिस्ट्रिक्ट लागू हो जाए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भितर स्टेट गवर्नमेंट सब एजेंसी सब डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सब एजेंसी सब डिपार्टमेंट सब सेंट्रल PSU स्टेट PSU समस्त मॉडल कोड लागू हे धामनगर असेंबली कन्स्टिट्युएंसी एटा गोटे आरक्षित कन्स्टिट्युएंसी अच्छी ये वोटर संख्या जोटा कि आमर जो इलेक्ट्रल रोल लास्ट पब्लीश होती 1 जनवरी 2022 से वोटर तालिका अनुसार 238,360 वोटर अच्छा ता भितर 123,013 वोटर मेल 115,314 वोटर फीमेल और 33 जन थर्ड जेंडर वोटर अच्छा आमर PWD वोटर संख्या अच्छी 4,956 आ वोटर 80 वर्ष ऊर्ध्व वोटर मान संख्या अच्छी 7,206 सर्विस वोटर मध्य 456 आमर से असेंबली कन्स्टिट्युएंसी आम पाखे जे डेटा उपलब्ध अच्छी 100% लोक इपिक दिखाई फोटो आई कार्ड दिखाई सारी ये वोटर तालिका आमर जे लास्ट पब्लीश होती 1 जनवरी 2022 तापर मध्य कंटिन्यूस अपडेशन हो आसुची आ जो वोटर तालिका आमर इलेक्शन व्यवहार हे से वोटर तालिका आमर लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन दैट इज 14th October जे वोटर तालिका आमर बाहर से वोटर तालिका अनुसार इलेक्शन कंडक्ट करा जीवो तो 4 तारीख सुधा जे माने अप्लाई करिछंती वोटर तालिकार ना देवाई कि वोटर तालिकार ना चेंज करने डिलीट करने से मानकर प्रोसेस हम आना ना ही से इनक्लूड हो पार तापरे बूथ संख्या आमर ये कन्स्टिट्युएंसी अच्छी 252 बूथ अच्छी EVM रे जे रिक्वायरमेंट अच्छी सब EVM जिते दरकार आमर ता 200% EVM ऑलरेडी अवेलेबल करा है छी सेटा कलेक्टर भद्रक कस्टडी रे ऑलरेडी अच्छी यार जे भी EVM रे जे फर्स्ट लेवल चेकिंग आरंभ होवा कथा सेटा आसंता काली टू आरंभ हो 15 जन इंजीनियर ECIL रु आसुचंती से प्रक्रिया आरंभ करिवा पाए FLC प्रक्रिया सब पोलिंग पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव उपस्थिति रे हबो
कोविड रे गाइडलाइन आगरू इश्यू होता से गाइडलाइन एबे गुड़ाए छूट दिखाई एबे इलेक्शन कमिशन कहुई कि स्टेट गवर्नमेंट तांकर जे भी गाइडलाइन थिबो हेल्थ डिपार्टमेंट कि एसआरसी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जे भी कोविड रिलेटेड गाइडलाइन हबो सेटा ही फॉलो करा जिबो आ इलेक्शन कमिशन तरफ रु आ किछि कटकना जारी करा है नहीं। अमर जेमती आगरू भी है तीनटा कैटेगरी रे वोटर जे कि कोविड अफेक्टेड कि कोविड सस्पेक्टेड वोटर 80 वर्ष ऊर्ध वयस वोटर किंबा पीडब्ल्यूडी जे विकलांग वोटर माने अछंती सेमानके पई पोस्टल बैलेट्र स्वतंत्र व्यवस्था कराई तो से माने चाहिबे से माने आगरू अप्लाई करिवे पोस्टल बैलेट पई जे माने अप्लाई करिवे और यदि स्क्रूटनी बेले तांकर एप्लीकेशन वैलिड मिलला ताले से मानको पोस्टल बैलेट तांको घरे उपलब्ध करा जिवो और सेठी वोट ग्रहण करा जाय पारिवो। तो पोस्टल बैलेट पई अप्लाई करिवा पई गोटे फॉर्म अछि फॉर्म 12D से फॉर्म 12D माध्यम रे आमे बीएलओ माने सबू जे कंसर्न अछंति पीडब्ल्यूडी वोटर आउ जेमते आमे कहलु 7206 80 वर्ष ऊर्ध वोटर 4956 पीडब्ल्यूडी वोटर अछंति इमानंग पाकु पर्सनली कांटेक्ट करिवे फॉर्म 12D तांको देबे और यदि से माने ऑप्शन देवा पई चाहिबे घरे वोट देवा पई सेति दे पारिबे जे माने थरे ऑप्शन देले घरे वोट देवा पई और ऑप्शन यदि एक्सेप्ट हैला ताले से माने आ बूथ रे जाके वोट दे पारिबे नाही किंतु अन्य माने जे माने ऑप्शन देबे नाही से बूथ रे जाके वोट दे पारिबे। आगरू जमती व्यवस्था थिला कि जेते बेले नॉमिनेशन फाइल हबो तो कैंडिडेट माने तंकर डिटेल क्रिमिनल एंटीसीडेंट यदि एफआईआर है छि केस है छि कन्विक्शन है छि से गुड़ाक पब्लिश करिवे न्यूज़पेपर माध्यम रे एवं पोर्टल माध्यम रे ए थरे भी तीन थरे पब्लिश करिवे और सेटा आसंता इलेक्शन पाई मध्य लागू रहिबो। ए थरे इलेक्शन कमिशन निर्देश अनुसार अमर जत्ते बूथ अछि तार 50% बूथ रे लाइव वेबकास्टिंग हबो वेबकास्टिंग माध्यम रे लाइव टेलीकास्ट हबो जोटा कि अमर आरओ डीओ इवन आमे एठी बसी के देखि पारिबा सेठी वोट प्रक्रिया केमती चालछे से विषय रे एबे वर्तमान रे गोला काली आमे गोटे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संगे गोटे मीटिंग करथिलु प्रिपेयर्डनेस उपरे आमे डिटेल आलोचना करूछे गोटे गोटे आइटम उपरे जोटा कि प्रिपेयर्डनेस होबा कथा या परे आमे रेगुलर बेसिस रे तांग संग टच रे अछु आ जे भी भविष्य रे आ जे भी डेवलपमेंट हबो आमे आपन को टाइम टू टाइम जनाउतिबो। धन्यवाद। सिक्योरिटी व्यवस्था एबे तार असेसमेंट कराउ छे सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स भी आसीबो केते आसीबो एबे आमे गोटे रिक्वायरमेंट दै छु तो कन्फर्मेशन इलेक्शन कमिशन रो आसी नै आसले आमे जणैबो से सब भी एबे संवेदनशील बूथ रे भी जे असेसमेंट करिवा कथा एबे प्रिलिमिनरी असेसमेंट करा होउ छी जते बेले ऑब्जर्वर जिल्ला रे आसीबे तापरे तांको कंसल्ट करिके फाइनली एटा फाइनल हबो सेटा आमे आपन को सेते बेले जणैबो। नहीं नहीं घरे वोट देवाई जो व्यवस्था है जो कोविड हेला परे 2019 अक्टूबर नवंबर जिते बिहार इलेक्शन होता से इटा प्रक्रिया इंट्रोड्यूस कराइला आमर स्टेट रे भी जिते बाय इलेक्शन है से सब बाय इलेक्शन प्रक्रिया कराई आटा कोविड गलापर भी से पर्टिकुला 80+ और पीडब्ल्यूडी वोटर पर व्यवस्था कोविड पर भी लागू रोच। धन्यवाद। चलते जो भाव में कहते निर्वाचन अधिकारी 14 तारीख शेष मनोनयन पत्र दाखल करने कि जो भोटर मानकर ना नहीं जब तालिका भितर भोट दवापाई जब 4 तारीख भितर से अंतर्भुक्त होगापाई तालिकार आप्लाय करेंगे से मानकर भोट दवापाई भितर आसीज बाहर रोकवा जो भोटर मैंने पोस्टल बैलेट रे भोट दे पारे जो भाव में 252 बूथ में मतदान हे एक कहते सबकि चूड़ा हो सारी प्रस्तुति जी कहपर एवं केवल रही ईवीएम सबू उपजिला हेफाजत अच्छी कोविड गाइडलाइन को कड़ाकड़ी भाव में पालन निर्वाचन कमिशन गाइडलाइन जारी करा जिबो नाही एवं आवेदन मध्य करि परिबे जो माने बाहर रहउछन्ते पोस्टल बैलेट पाई एवं जो भली भाबरे तीन भागर विभक्त होइबा तीन प्रकार रो वोटर अछन्ते जो भाबे कहथले जो माने फिजिकल डिसेबल जो माने अछन्ते के
ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଛି କି ବୋଲି ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇକି ଦେଇପାରିବେ ଭୋଟ୍, ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଥିବ କୋଭିଡ଼ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ବା କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଆଜି ସହିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ଆଚରଣ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜିଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରାଜନୈତିକ କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ, ଏନେଇକି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ସେମାने ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ଯଦି କରିଥିବେ ବା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ସବୁଶେଷ ବିବରଣୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହେବା ସହିତ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଆଜିଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତେଣୁ ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଜେନ୍ସି କଥା କୁହନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏଜେନ୍ସି, ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ, ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ 4 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। 14 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଫାଇନାଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ରହିବ, ସେଇ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ରହିଛି, 252 ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରୁ 50% ବୁଥ୍ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ସେସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏଇଠି ବସି ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ 50% କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପାରା ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମତଦାନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ 3 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ନେଇକି ସେ ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ସିକ୍ୟୁର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଇଏ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ଭୋଟରମାନେ କିଭଳି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେନି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡା। ଶ୍ରୀତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲା, ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଯେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପୁଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବିଜେପିର, ଏକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ ଏକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସସ୍ପେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ବିଜେପି ଗୋଟେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଦଳ, ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥୀର ମାନେ ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ଦଳ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଏ ତିନିଟା କଥାକୁ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହବ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇଦେବୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅନ୍ତତଃ ବିଜେପି ଦଳରେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ, କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ଦଳ ଟିକେ ସମବେଦନାକୁ ପାଥେୟ କରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କେତେ ସତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମବେଦନାକୁ କେହି ବି ପାଥେୟ କରନ୍ତିନି ବୋଲି ଯଦି କହିବି 8 ବୋଲି ଭୁଲ କଥା ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ସମବେଦନାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଥେୟ କରନ୍ତି, କୋଉ ଦଳ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆରଥର 2019ର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ
2022 रे जो उपनिर्वाचन हम सम्मान स्थिति अच्छी कि गोटे बड़ प्रश्न मुझे आसूँ आप सहित लेनिन महांती अच्छा बीजेडी मुखपात्र लेनिन बाबू आप स्वागत आलोचना भितर को गत थर आपण खूब कम मार्जिन कहुपर छड़े नहीं धामनगर आसन बीजेपी 4625 ये मार्जिन थिला एवं कारण जहाँ आलोचना कराते जो मैंने निर्वाचन विशेषज्ञ मैंने कौटना कौटी गोटे समन्वय अभाव थिला बीजेडी भितर आप मानिबे मु आशा करूछु एवं सेइटा को सेइटा ही से असुविधार कारण हेतला एवं एथरो समस्ते आपण माने आपणकर संगठन संपादक कथा कहंतु बा सब नेता माने एकाठी हेचंती से समस्या एथरो जेमती न रहइबो केते सदा एवं प्रार्थी की हेबे ए पर्यंत भी दल किछि कहु नाहंती केइ किछि स्पष्ट करू नाहंती देखंतु 2019 परटरु जेते निर्वाचन हिछि आपण भी जानिचंती मु जानिछि विरोधी दल पक्ष भी जानिचंती जे प्रत्येक निर्वाचन रे ओडिसार लोक आशीर्वाद करिसेंती बिजू जनता दल रो सर्वोच्च नेता श्री नवीन पटनायक को एवं अमर जेकोनोसी प्रार्थी जोटी थी आइचेंती आमे प्रायतः लोकंक आशीर्वाद पाई चलीचू जेते जिला परिषद निर्वाचन हेछि पंचायत निर्वाचन हेछि अर्बन निर्वाचन हेछि बाय इलेक्शन हेछि ए समस्त निर्वाचन रे आमे लोकंक द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेछु आमको बेसी लोकंक संगरे इंटरेक्ट करेबार कारण होची अमर नेतृत्व अमर प्रोग्राम किंतु लेनिन बाबू समवेदना एथरो तांको पटे अछि एटा किछि असुविधा करिवो कि आपनको मैडम समवेदना बालेश्वर रे भी थिला आमे ग्रास रूट लेवल रे काम कलु आमे सिटी बहुत भलो मार्जिन रे जितिलु समवेदना केवल रहिले हुए ना ग्रास रूट रे केते आपनकर इन्वॉल्वमेंट अछि आपन लोकंक पई केते कमिटेड अछंती आपन लोकंक संगरे केते अछंती तारो रिफ्लेक्शन होची हार की जीत एवं मोर विश्वास एथर मध्य लोके एकतरफा भावे महोत्रे कहुची लोके एकतरफा भावे आशीर्वाद करिवे बिजू जनता दल रो प्रार्थी को तार कारण लोके चाहिबे मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट प्रोसेस संगरे रहिबा पाए एवं जोपरि भावे ट्रांसफॉर्मेशन होउची लोके बिजू जनता दल संगरे अछंती माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक संगरे अछंती सेति पई मोर विश्वास अनुकंपा तो निश्चित भावे रहिबो किंतु अनुकंपा सहित आपण को परफॉर्मेंस बहुत मैटर करे ये तो समय कहिबो जे प्रकृति अनुकंपा केते बड़ फैक्टर करिबो एवं आपण जेमती कहउछंती संगठन सुदृढ़ तृणमूल स्तर रे संगठन मध्ये गोटे बड़ भूमिका निभाए आम सहित कांग्रेस मुखपात्र मध्ये अछंती अमिय पांडव अमिय बाबू बीजेपी बीजेडी टक्कर सेठी सबुबळे हुए कांग्रेस बहुत वर्ष होला एटी टक्कर देई पाउनी 1995 परठु कांग्रेस रो गोटे स्थिति कौन रही ताकु नहीं गोटे प्रश्नवाची एथर कांग्रेस गोटे नुआ दिगरे आगे चेष्टा करूची तेणु नुआ सभापति ए सबु को नहीं कि कांग्रेस एथर टिके सम्मान बंचेबो को केते चेष्टा करबो एवं केते देखि पारुचंती सुजोग अभी बाबू सुनि पारुचंती मो कथा आपण कांग्रेस निश्चित कसरत स्थिति बीजेपी बीजेडी टक्कर आमे बदली दल सभापति सब कुछ नुआ प्रकार लड़े को आसबे कि कांग्रेस बीजेडी लड़ाई हम एवं बीजेडी बीजेपी अशुभ मेंट एवं असाधु मेंट संपर्क लोक मैंने अवगत हेले कथा को लोक नहीं अच्छा टक्कर को एथर मध्ये आसिबो एवं लक्ष्मण बाबू मु गोटे गोटे रिएक्शन पुणि थरे नै जेबी अनुकंपा केते दबो किंतु संगठन एठी मध्ये गोटे बहुत बड़ भूमिका निभेबो बालेश्वर सदर रे आमे सेइटा देखिथिलु एवं रिसेंटली ब्रजराजनगर कथा जो अमिय बाबू कहउचोंती एठी मध्ये गोटे प्रश्नवाची कोटा कोटी आपनकर संगठन नै कि प्रश्न उठुची किछि डिफरेंट एथर हबा को जाउची कि कारण कांग्रेस दाबी करूची कांग्रेस एथर टक्कर को आसिबे काहा सहित आपनकर सबडु बड़ फाइट हबो
लक्ष्मण बाबू सहित बोध हुए संपर्क कटि जा जनापड़ी लेनिन बाबू निश्चित भाव आम सहित थे तेणु लेनिन बाबू अमिय बाबू कथ को सत मानी तेज़े फाइटा आपंकर बर्तमान क्या सहित हम कांग्रेस सांगे बीजेडी फाइट हम ना सतरे बीजेपी सहित हम लेनिन बाबू शुणु पार्टी कि नहीं बोध हुए नेटवर्क समस्या निश्चित भाव अच्छी मो स्वर पहुँची पारूनी एवं अमिय बाबू अच्छा बोध हुए मो सहित मुझे शेष मतामत मत अमिय बाबू नहीं चाहिए अमिय बाबू गोटे बड़ी जे आपण को लोक ओडार लोक कांग्रेस एथर देखा चेष्टा कर भोट बा विश्वसनीयता लोक अच्छी रणनीति कौन कारण एपर्तंत प्रार्थी किए एवं से नहीं कौन चूड़ा निष्पत्ति सारा कि देखो कथा हो प्रार्थी हवाटा दिने दु दिन भितर आपखे घोषणा हो आज आमर गोटे अब्जर्वर टीम तीन जन पूर्वतन मंत्री विधायक जगार आज अच्छा लोक मतामत संग्रह कर समस्त मतामत को लेकर प्रार्थी घोषणा करूँ बड़ कथा हो बीजेडी को आपण माने बा अन्य माने जेमिति गोटे इनविंसिबल शक्ति बा अपराध शक्ति बोली प्रचार करुहे नवीन पट्टनायक टेनुअर रे मध्ये आमे लक्ष्मीपुर बाय इलेक्शन देखिछे तांकर तलसरा रे मध्ये देखिछे बिजी जगार से माने सरकार थाई मध्ये हारी छन तेणु कथा हो कांग्रेस बहुत गुरुतर सहित निर्वाचन को गोटे आह्वान रूप ग्रहण करती एवं निश्चित भाव में कांग्रेस बहुत बढ़िया असंभव नुहे सही संगठन पुणी सुदृढ़ पुणी चमकदार एथर देखे पारे धामनगर रे लक्ष्मण बाबू आम सहित पुणी जोड़ी लक्ष्मण बाबू प्रकृत में फाइट एथर क्या सहित हम अनुकंपा गोटे फैक्टर हो पाए कारण आम बालेश्वर सदर में देखीछू एवं रिसेंटली जी कह पार ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन में लक्ष्मण बाबू ये आपन को लेकिन गोटे बड़ प्रश्नवाची ठिया करुच्ची कि तृणमूल संगठन को लेकिन देखु तृणमूल संगठन आमर धामनगर रे अच्छी कांग्रेस विगत बहुत दिन रही संगठन ना सेकेंड कथा बीजेडी जो कथा कहते आमर लेली बाबू ये लोकों सांगे आम अच्छु एवं लोक आशीर्वाद कर सब गुड़ा बाय इलेक्शन लोक केवल आशीर्वाद ढालुंट एक कथा कहीं मुं ग्रहण करार साधारण जनता भी ग्रहण करोकर 365 दिन अच्छा लोकों तृणमूल स्तर से संगठन सुदृढ़ पर्यवेक्षक गोटे गोटे जिला दु दु जन पर्यवेक्षक निजुक्ति कौन आवश्यकता लक्ष्मण बाबू को पचारिकी पर्यवेक्षक रहे ना बीजेपी ओडिशा को पचारिकी रखिबु आमर कौन कलु आम आभिमुख्य मु मो दल विषय कहली मु बीजेपी रो काहे कि के कोन रखुछ मु ता विषय रे पचार नै आ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जरो बिकल रे ताटिया कामुडिबो आ आमु को अरे मु कहुछि टिके रहंतु आमर जेतबेले आमे आमर प्रोसेस रे अछु मते आवश्यक नै ओडिसा रे प्रत्याखित विरोधी दल विषय रे कहिबा पाए भारतीय जनता पार्टी कोन करुछि न करुछि मु कंसर्न नुहे काईना लोकक द्वारा से प्रत्याखित मु दीटा पर्यवेक्षक पठेली कि 20 जन पठेली मोर कर्मी अछंती बेली मु पठेली जदी जो जगह रे कर्मी नथांती सेठी माने बसिकरी बोतल भितरे पुरौतांती कर्मी को किंतु एठी जो जगह रे कर्मी अछंती हमें सेही जगह रे हमें अपर पठेलु तृणमूल स्तर से सब राजनीतिक दल गुड़िक सरगरम रणनीति आरंभ कर दे लेनिन बाबू को कथा लक्ष्मण बाबू आप शुणी पारे प्रकृत में ये दलियों आभ्यंतरण कथा किंतु कथा हला जे लोक कहा को वोट देबे कहा को विश्वास को नेबे एवं आपणकर जदि कुहा जाय पारिबो जे सम्म वेदना बा अनुकंपा को केवल पाथे करत जाय पारिबेनी संगठन सेति की स्तर रे अछि कि नाही एवं रिसेंटली जो प्रकार आपणकर दलर टिके जो कर्मी रही चंती शक्ति केन्द्र प्रमुख अछि ता गुडी कर्ण मंत्र दे कि मध्ये जाईथिले आपणकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सब काम दब कारण ब्रजराजनगर परे टिके कर्मी कर टिके हताश बाबा कहि परबा कि उत्साह टिके कमी थबो एथरे अस्वीकार करबार किछ नै ना ना ब्रजराजनगर रो परिस्थिति अलगा थिला
धामनगर आम सीट थिला एवं धामनगर रे लोक आम सपक्ष रे अछंती एवं धामनगर दीर्घ दिन धरि के आम हाथ रे अछि से कारण रु धामनगर जो काम आम करथिलु प्लस धामनगर विधायक को आम खाली माने अन्यन्य दायित्व दैनु स्वतंत्र दायित्व तो ओडिसा विरोधी दल रो उपनेता हिसाब रे तांको गुरुत्वपूर्ण दायित्व दिहैतिला से कथा लोक ग्रहण करचंती आ मु जो कहली पर्यवेक्षक कथा कहिनी लेलिन बाबू उत्तर को एडे देले पर्यवेक्षक नु प्रति पंचायत रे गोटे गोटे माने एमएलए आ प्रति ब्लॉक रे दीदीटा मिनिस्टर लक्ष्मण बाबू 365 दिन जदि से माने तंकर रणनीति प्रस्तुत कले त हमर किछ कहबार नै किंतु प्रकृत कथा बड टक्कर एठी हबो धामनगर रे काहे कि आपण कहले दीर्घ दिन धरि कि आपणकर रहिछि एठी किना किंतु सबु बळे टक्कर हुए एवं मार्जिन खूब कम रहे 2014 रे भी आपण देखिबे जदि मात्र 4900 समथिंग थिला एवं 4625 थिला 2019 रे त टक्कर एथरो भी हबो कि लेनिन बाबू आपण को लागु छी टक्कर हबो किंतु मते लागु नै मते पचारु छथि ने काहे को पचारु आगे आगे लेनिन बाबू आपण आपण उत्तर मते लागु नै कोनोसी टक्कर हबो अनुकंपा निश्चित भाबे रहिबो किंतु परफॉर्मेंस अनुकंपा को पछरे पकेई दबो निर्वाचन एकतरफा हबो बिजु जनता दल रे से जेकेई भी प्रार्थी हो से एकतरफा भाबे जितिबो आपण मने रखी थांतु गत निर्वाचन पटे स्लेंडर मार्जिन रे 4000 केते मार्जिन रे बिष्णु भाई जितिथिले से तो वर्तमान आम भितरे नाहंती ज्योति पाई ए निर्वाचन रो आवश्यकता पड़िला किंतु जो अवस्था आज डेट रे अछि पंचायत एवं अर्बन रे जो लीड आमे नै थिलु हमर लीड प्राय 20000 वोट थिला निहाती भाबरे एवं अमी पांडा शेष मतामत 30 सेकंड आपन पे कोन कोन प्रश्न कोन दे नै सेइटा नै कि आपन केते टका देई परिबे एथरो टका आपन जाना पड़िबो आपन अपने करंतु वान्स इलेक्शन प्रोसेस स्टार्टेड तापर आपन देखियो निश्चित भाबरे देखिबो को बाकी रहिला बहुत कम दिन नवंबर 3 तारीख निर्वाचन बा बहुत बहुत धन्यवाद अमिय पांडव लेनिन महांती एवं लक्ष्मण पंडा तीन दल राजनैतिक दलर मुखपात्र माने आम सहित थिले एवं प्रकृत रे गोटे भल निर्वाचन गोटे भल टक्कर देखा एथर धामनगर में मिले एक देखा मिले अपेक्षा रहिला एवं नवंबर 6 तारीख सबकि स्पष्ट हो जाए।